बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। सर्फ एक्सेल जोश जगादे में मिर्ज़ा इकबाल बेग एक्सप्रेस न्यूज़ के नाज़रीन को खुश आमदीद कहता है। क्रिकेट का मेला HBL PSL की सूरत में अपने इख्तितामी मराहिल की तरफ गामजन है। इससे पहले के प्लेऑफ शुरू हों, चार मैचेस बाकी रह गए और आज एक बड़ा अहम मैच है रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और उस मैच में मुल्तान सुल्तान्स की टीम पिशावर ज़ल्मी के मद्दे मुकाबिल होगी। क्वेटा ग्लैडिएटर्स की नज़रें इस मैच पर मरकूज़ हैं कि इसका नतीजा क्या बरामद होता है, क्योंकि क्वेटा ग्लैडिएटर्स ने अपने आखिरी मैच में फतह हासिल की थी। अगर आप पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालें तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि पॉइंट्स टेबल पर टॉप पर है इस वक्त लाहौर कलंदर्स की टीम, जिसके 14 पॉइंट्स हैं, इस्लामाबाद यूनाइटेड के 12 पॉइंट्स हैं, और मुल्तान सुल्तान और पेशावर ज़ल्मी के 8-8 पॉइंट हैं। आज का मैच जो भी टीम जीतेगी उसके 10 पॉइंट्स हो जाएंगे और वो डेफिनेटली प्लेऑफ के लिए क्वालिफाई कर जाएगी। उसके अलावा अगर क्वेटा ग्लैडिएटर्स की नज़रें जो हैं वो मरकूज़ हैं कि पेशावर ज़ल्मी अपने मैचेस हारे और क्वेटा ग्लैडिएटर अपना मैच जीते, या मुल्तान सुल्तान्स अपने मैचेस हारे और क्वेटा ग्लैडिएटर्स अपना मैच जीते, तो उस सूरत में पॉइंट्स जो हैं वो इक्वल हो जाएंगे 8-8। फिर क्या सूरत हाल बनेगी, फिर नेट रन रेट पर फैसला होगा। इस हवाले से हम बात करेंगे। कल का मैच भी बिल्कुल यकतरफा मुकाबला साबित हुआ, लाहौर कलंदर्स वर्सेज इस्लामाबाद यूनाइटेड। पिछला मैच लाहौर कलंदर्स ने 110 रन से जीता था, जो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर में हुआ था, और कल का मैच लाहौर कलंदर्स ने 119 रन से जीता। तो अब देखते हैं कि लाहौर कलंदर्स तो क्वालिफाई कर गई है, अब देखते हैं कि पोजीशनिंग क्या होती है, 1, 2, 3, 4 पे क्या क्या सूरत हाल बनती है, इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ स्टूडियोज़ में हर रोज़ की तरह मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर, और उनके साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। इन दोनों से हम बात करेंगे, इन दोनों की माहिराना राय आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले खुर्रम, आज का मैच मुल्तान सुल्तान्स वर्सेस पेशावर ज़ल्मी, और अगर आप देखें तो पेशावर ज़ल्मी का पल्ला भारी है, 9 मैचेस जीती है 12 में से, और 3 मैच सिर्फ जो है मुल्तान सुल्तान्स जीती है। क्या कहेंगे जिस तरह की कारकर्दगी पेशावर ज़ल्मी ने अपने आखिरी मैच में लाहौर कलंदर्स को हराया, और अब मुल्तान सुल्तान्स की टीम भी गियर अप हो रही है, आपकी क्या राय? देखें, दोनों टीमों की कोशिश तो यही होगी कि आज मैच जीते हैं, क्योंकि देखें अब एक नई सूरत हाल सामने आ रही है। वो अभी अहमद ने बड़ा अच्छा पॉइंट रेस किया कि मुल्तान भी बाहर हो सकती है। हाँ, पूरे टूर्नामेंट में पहली दफ़ा मुल्तान पे ये सवाल आया है, अगर ये आज का और कल का दोनों मैच हार जाए, क्योंकि हारने पर नेट रन रेट भी गिरता है, तो ये बाहर हो सकते हैं और ज़ल्मी और क्वेटा दोनों क्वालिफाई कर सकते हैं। तो एक नई सूरत हाल पैदा हो गई है, तो इनको आज बैटिंग के साथ साथ बॉलिंग बहुत अच्छी करनी पड़ेगी, क्योंकि जो मैच आ रहे हैं ये अपनी बॉलिंग की वजह से आ रहे हैं, सिवाय पहले मैच के जो ये थोड़ा स्लो खेल गए थे, 14वें ओवर में इन्होंने फिर गियर शिफ्ट किया था तो लेट हो चुके थे। तो अपनी गलती से सीखा, अच्छे पॉइंट कलेक्ट किए, मगर थोड़ा सा लेट हो गए, और अब दूसरी टीमें जो हैं वो बोलते नहीं एक रिदम में आ रही हैं, या अच्छा उनका एक मोमेंटम बन गया है। तो जिस तरह ज़ल्मी ने आखिरी मैच खेला है या इससे पिछला जो मैच खेला था, ज़ल्मी ने दोनों मैच आखिरी बहुत अच्छे खेले हैं, स्पेशली एक बेहतरीन बॉलिंग लाइन के ख़िलाफ़ अच्छा टोटल करना और अटैकिंग क्रिकेट खेल के, एक होता है डिफेंसिव क्रिकेट खेल के, तो ज़ल्मी एक अच्छे टच में लग रही है, अच्छा रिकॉर्ड भी ज़ल्मी का बेहतर है, रिकॉर्ड भी बेहतर है, जीती है। मगर एक बार हम इस चीज़ पे नहीं जाते, इस चीज़ को हम यूँ मायने नहीं देते, क्योंकि देखें ये सब थोड़ा सा पुराना है, करंट फॉर्म देखी जाती है, टीम कॉम्बिनेशन देखा जाता है, रिदम देखा जाता है, सारी चीज़ें होती हैं। तो ज़ल्मी आज थोड़ी बेहतर शेप में दिख रही है मुल्तान सुल्तान के मुकाबले में, मगर एक इसका हल बेहतर जो दिख रहा है कि मुल्तान सुल्तान हो सकता है टॉस जीत के पहले बॉलिंग करे, कि जो बॉलिंग की वजह से हम थोड़ा सा मिस हो रहे हैं हम वो बैटिंग में कवर कर लें। सही अहमद, मुल्तान सुल्तान ने एक मैच जो खेला है ज़ल्मी के ख़िलाफ़, मुल्तान सुल्तान 56 रन से जीती है एक मैच, अब आज दूसरा मैच है, आप कैसे देखते हैं? बड़ी ज़बरदस्त टसल है, जिस तरह पॉइंट आउट किया गया कि भाई ज़ल्मी मुल्तान सुल्तान भी बाहर हो सकती है, जिस तरह से उसने टेक ऑफ किया कोई सोच नहीं रहा था कि मुल्तान सुल्तान को लाले पड़ सकते हैं। दोनों मैचेस, ख़ासतौर पर आज का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है मुल्तान सुल्तान के। जी ऑब्वियसली यही बात हो रही थी कि एक दफ़ा जब मोमेंटम आपको मिलता है तो आपको उसको लूज़ नहीं करना चाहिए। मुल्तान जिस तरह टेक ऑफ किया, मैचेस तो अपनी बैटिंग की वजह से वो जीत रहे थे, लेकिन आपको याद होगा इसी शो में हमने बोला था कि उनकी बॉलिंग लाइनअप में बहुत सारे लूप होल्स हैं, जिसकी वजह से अब उन्होंने एक वेस्ट इंडीज जो बॉलर हैं लेफ्ट आर्म कार्टियल हैं, पता नहीं कौन है, वो आए हैं, तो उनके आने से उनके आने से फ़र्क तो ज़रूर पड़ेगा। अहमद देखें, ये जो आप देखें मुल्तान सुल्तान की कारकर्दगी, पहला मैच हारने के बाद इन्होंने मुसलसल 4 मैच जीते, फिर उसके बाद कराची किंग्स से हार गए, लाहौर कलंदर से हार गए,
और इस्लामाबाद यूनाइटेड से हार गए, तो डिप तो आया इनकी फॉर्म में। क्योंकि अगर पहले भी मैचेस आप देखेंगे ना, तो वो अपनी बैटिंग की वजह से थोरली जीते हैं। यहाँ पे उनकी बॉलर पे जैसे ही तीन मैच में प्रेशर पड़ा है तो आपने देखा है उन्होंने चोक किए, वो शेक हुए हैं। अब जो बैटल है वो दोनों कप्तानों का है, बाबर आजम रिजवान बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, पक्के दोस्त भी हैं, तो एक दूसरे की साइकी को बड़ी अच्छी तरीके से समझते हैं, अंदर डिसीजंस को भी समझेंगे। तो मेरे ख्याल से यू नो इट्स अ बैटल ऑफ नर्व्स मोर देन एनीथिंग। आई एम श्योर कि मुल्तान सुल्तान डेफिनेटली विल ट्राई टू कम बैक हार्ड, लेकिन एट द सेम टाइम हमें ये देखना होगा कि पेशावर जलमी के पास एज है वो मोमेंटम का। आपने बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की बात की, खबरें आज चल रही हैं कि जो शारजा में सीरीज हो रही है अफगानिस्तान के खिलाफ, वहाँ बाबर आजम को भी रेस्ट किया दिया जाए, रिजवान को भी रेस्ट दिया जाए, और ये भी खबरें चल रही कि उस सूरत में शाहीन शाह आफरीदी को पाकिस्तान की क़यादत के फ़राइज़ सौंपे जाएँ, और जो यंगस्टर्स हैं कुछ नए लड़के, चाहे एहसानुल्लाह हो, चाहे आज़म खान हो, चाहे सायम अयूब हो, इनको टीम में डाला जाए। आपकी क्या राय एज अ टेस्ट क्रिकेटर? सर ये तो अभी तक स्पेकुलेशंस हैं, खबरें हैं, कोई पीसीबी की तरफ से ऐसा चाया नहीं है। आई एम श्योर कि इसके बारे में जो सिलेक्टर्स एक पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं उनका एक अपना मानना होगा, और यू नो रेस्टिंग अ सीरीज और टू डजंट रियली मैटर जब आपको पता हो कि आपकी यू नो प्लेस जो है सिक्योर है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है अगर कम्युनिकेशंस के साथ चीज़ें हो प्रॉपरली। तो आई डोंट थिंक इट शुड इफेक्ट। एट द सेम टाइम हमें ये देखना चाहिए कि अफगानिस्तान की टीम के खिलाफ भी अगर हमने यंगस्टर्स को चांस नहीं देना है तो फिर किसके खिलाफ देना है? खुर्रम आपकी क्या राय है, क्योंकि देखें अफगानिस्तान के खिलाफ तीन T20 हैं, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड की टीम पाकिस्तान आ जाएगी, वो वनडे और T20 सीरीज़ खेलेगी, उसके बाद जो है वो एशिया कप है, और एशिया कप बड़ा इंपॉर्टेंट है 50 ओवर्स का, और एशिया कप के बाद 50 ओवर्स का वर्ल्ड कप है। तो अभी हम T20 खेल रहे हैं, आप समझते हैं कि जिस तरह अहमद कह रहा है कि ठीक है रेस्ट कराने में कोई बुराई नहीं है, तो एक तो कोऑर्डिनेशन के साथ के डिस्कस करके रेस्ट कराएं अगर किसी को कराना है, और शाहीन शाह आफरीदी का नाम आ रहा है, आप देखते हैं कि फ्यूचर कैप्टन साबित हो सकते हैं? सर वो दिख भी रहा है, वो लास्ट ईयर से मोमेंटम दिखना शुरू हो गया था। ऑनेस्टली बता रहा हूँ मैं आपको, कैप्टनशिप के लिए जो चीज़ें होती है ना सराउंडिंग सामने आ रही है, वो चीज़ें ऐसा ऐसा आ रही हैं, और कोई बुरी बात नहीं है। उसने अपनी कप्तानी में जितवाया है, एक फाइनल खेले और इस दफ़ा भी अच्छा कर रहे हैं, और सबसे अच्छी चीज़ ये अपनी कप्तानी में खुद की परफॉर्मेंस अच्छी है। 90% प्लेयर की अपनी इंडिविजुअल ख़राब हो जाती है, इतना प्रेशर ले लेते हैं। मगर आप बात कर लेते हैं, देखें कोई कबाहत नहीं है, आप ऐसा नहीं है कि बिल्कुल आप जीरो करके सारे खिला दें, नहीं, तीन चार टीम की जो कोर है ना आप उसके बात करके उनको रेस्ट दें। कोर का मकसद जो बैक मेन प्लेयर्स हैं उनको, आप वो बॉलर हों या बैट्समैन उनको रेस्ट दें। चार से पांच लड़के जो आप समझते हैं ना उनको पहले मैच से पूरी सीरीज दे, तीनों मैच खेलें, आप उनको बोलें कि आप पूरी सीरीज खेलोगे, डजंट मैटर आप परफॉर्म हो ना हो, आप कॉन्फिडेंट रहो और जिस चीज पे आप सिलेक्ट हुए उस चीज को कोशिश करो यहाँ पे परफॉर्म करो, बाकी आगे की चीज आगे देखी जाएगी। इसी तरह प्लेयर डेवलप होते हैं, इंडिया हो गई, ऑस्ट्रेलिया हो गई, इंग्लैंड हो गई, इसी तरह बनाते रहते हैं। मगर ये नहीं होना चाहिए कि ये सीरीज मुझे लाजमी खेलनी, ये गलत है। देखें पाकिस्तान फ्यूचर की बात करता है तो ये मौके हैं, के मौके हैं, बिल्कुल सही, ये मौके हैं। आप इस चीज में आप अपनी वो जो इनपुट है वो आप डालें, नई सिलेक्शन कमेटी आई, स्टेप ले, पहलों के लिए चलें, जो बातें थी अब आप लोग आए, आप लोग अच्छा कर सकते हैं, अच्छा करें मुल्क के लिए। जहाँ तक रही और अब मैं इसकी बात करूँ इस मैच की, तो सर सबसे पहले तो मेरा ये है कि दो प्लेयर्स पे मैं थोड़ा सा अटका हुआ हूँ कि समझ नहीं आ रहा कि ये बॉलिंग में क्या किस दो और बॉलर कौन से डालेंगे, मुल्तान सुल्तान, क्योंकि इनकी बॉलिंग में एक तो एहसानुल्लाह है, एक है अब्बास, तीसरा है उसामा मीर, तीन है, दो बॉलर आप बता दें कौन से खेल रहे हैं जो हर मैच में शेयरिंग पे आवर हो रहे हैं। किरण पोलार्ड, अनवर अली ने लास्ट मैच में बहुत अच्छी बॉलिंग करी, तीन आउट किए उन्होंने 33-34 रन देके, मगर रिलायबल बॉलर नहीं है वो, नहीं है। आप पिटाई जब शुरू होती जी, तो हो इसके बीच में उन्होंने ऑप्शन रखा हुआ है, खुशदिल का भी रखा हुआ है, उसको यूज नहीं किया सही। चौहता जो फॉरनर है, सॉरी चौहता जो फॉरनर है, जिस ये पोलार्ड को जो जबरदस्ती डालते हैं, ये उसको पार्नल के क्यों नहीं डाल दे? अहमद क्या रहा है, लेकिन पोलार्ड बैटिंग भी करता है। हाँ जी पोलार्ड तो सर देखें उनकी भी टीम के मिक्स में जो है ना, उसको आखिरी 10 बॉलों के लिए जो है ना वो आइडियल सिचुएशन है उसकी, बाकी उनकी बैटिंग भी पूरी है, वो बॉलिंग से मार खाते हैं। अब उनके पास एक फॉरनर के तौर पे वो आया है कॉजिल, वो अच्छा बॉलर है, T20 कॉट्रेल वेस्ट इंडियन, तो वो तगड़ा बॉलर है, वो नए बॉल से आपको विकेट लेके दे रहे हैं। हाँ तो वो आपको ना अभी लीग दूसरी भी खेल के अभी उसने आउट किए हैं, वो नए बॉल से अंदर लेके आते हैं, वो एक अटैकिंग ऑप्शन के तौर पे साबित हो सकते हैं। तो अगर वो हो जाए और उसके साथ एहसानुल्लाह हो जाए,
फिर उसामा मीर हो जाए और अब्बास को हमने देखा कि यू नो अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, डिसेंट बॉलिंग की है इस पीएसएल में उन्होंने, तो एक यू नो रीजनेबल कॉम्बिनेशन के साथ जा सकते हैं। एट द सेम टाइम आई थिंक अमाद बट को भी ट्राई कर सकते हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा उसका रोल भी, बिकॉज ये बॉलिंग से स्ट्रगल कर रहे हैं, कहीं ना कहीं खुशदिल शाह के ओवर निकालते हैं, कहीं ना कहीं दूसरों के निकालते हैं, तो अगर अमाद बट को भी ये इनके इस करेंगे तो फिर बात करें। इस पर हम एक ब्रेक ले रहे हैं और ब्रेक के बाद जल्दी दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे सर्फ एक्सेल जोश जगा दे। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़ की स्पेशल ट्रांसमिशन HBL PSL 8 के हवाले से और सर्फ एक्सेल जोश जगा दे। हमारी और आपकी मुलाकात रोज़ाना शाम 5 से 6 और रात 11 से 12 होती है, और इस चंक में यानी 5 से 6 वाले चंक में हम क्रिकेट पे डिस्कस करते हैं, जबकि रात 11 से 12 में क्रिकेट प्लस एंटरटेनमेंट होती है। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान के दो टेस्ट ओपनर्स खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद, इन दोनों से हम बात कर रहे हैं। और आज जो मैच खेला जा रहा है मुल्तान सुल्तान बमुकाबला पिशावर जलमी, इसके हवाले से बात कर रहे हैं। खुर्रम, पिशावर जलमी का अगर आप कंपैरिजन करें मुल्तान सुल्तान से, बॉलिंग कैसी लगती है? पिछले मैच में तो वहाब रियाज ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की, लेकिन पिशावर जलमी की बॉलिंग आपको सही नज़र आती है? सर अभी तक बेहतर किए आखिरी दो तीन मैचों में, मगर आज मुझे ऐसा लगता है कि अगर अगर आमिर जमाल को बिठा के सलमान इरशाद को आज खिलाएं तो ये इनके लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। उसका एक रीज़न है, क्योंकि जो इनका मिडिल ऑर्डर है ना, बैटिंग ऑर्डर, वो तेज़ बॉल को लाइक करता है और उनका चेंज ऑफ पेस थोड़ा सा ना एक्शन की वजह से रीड नहीं होता सलमान इरशाद का, जो इसलिए वो अफेक्टिव हो सकते हैं, क्योंकि आमिर जमाल पिछले दोनों मैचों में उन्होंने ठीक ठाक मार खाई है, सही है वो बैटिंग कर लेते हैं और अच्छे एनर्जेटिक फील्डर भी हैं, मगर हम ही थे हम बोल रहे थे हम ये ऑप्शन है और डालें, मैं ही था पहले बोलने वाला, मगर आज मैं बोल रहा हूँ आज सलमान इरशाद पर्पसली इस मैच में अगर खिलाएं, क्योंकि उनके दो तीन खब्बे हैं और ऐसे हैं, खासतौर टिम डेविड पेस को लाइक करते हैं, मिलर पेस को लाइक करते हैं, रोसो पेस को लाइक करते हैं, तो ये ऐसे बैट्समैन है, अगर इनको चेंज ऑफ पेस वाला मिलता है ना तो ये डिसीव होते हैं, तो ये इस पे खिला सकते हैं, सही है। उससे एक आध मैच में परफॉर्मेंस वैसी नहीं हुई जो जिस तरह वो कर रहा था। अहमद अजमतुल्ला औरकज़ई उनके फास्ट बॉलर अफगानी, फिर मुजीबुर रहमान उनके ऑफ स्पिनर, फिर जिस तरह से वहाब रियाज, बॉलिंग को आप कैसे देखते हैं पिशावर जलमी? अच्छी है, लेकिन स्ट्रगल की है लास्ट टाइम भी, अगर इनकी बॉलिंग को देखें, वहाब को भी लाइक 56 हुआ है लास्ट मैच में, तो इनमें जो एक अच्छी चीज़ नज़र आ रही है वो अजमतुल्ला की बॉलिंग नज़र आ रही है और अरशद इकबाल जो है ना नए बॉल के साथ, और अगर अरशद इकबाल से याद है वो फिट हुए हैं आज, वो 6 मैचेस में 5 कर रहे हैं अरशद इकबाल की। हाँ तो अरशद इकबाल, लेकिन खुरम भाई की बात को मैं एग्री करूंगा कि जो इरशाद भी हैं सलमान इरशाद, ही कैन बी डिसेप्टिव हियर एज वेल, बिकॉज जिस तरह की पिचेस हैं आपको थोड़ा सा कोई नॉर्मल से हट के बॉलर चाहिए, जिस तरह कोई मिस्ट्री बॉलर, कोई साइड आर्म हो तो शायद वो इफेक्टिव, जिस तरह हमने जमान को देखा लास्ट मैच में जहाँ सबकी पिटाई हुई उनके एक्शन की वजह से, उन्होंने जो है ना सबको तंग किया, यू नो डिसीव किया अपनी पेस और अपने एक्शन की वजह से, तो एक वो एक ऐसी ऑप्शन है कि अगर पिशावर जलमी इस हिसाब से सोचे जिस तरह हम यहाँ बैठ के सोच रहे हैं तो वो उनको इंक्लूड कर सकते। लेकिन 3 ही मैच खिलाए हैं सलमान इरशाद को, गालबन उन पे कॉन्फिडेंस नहीं था इनको, 8 मैचेस में से 3 मैचेस खिलाए, आप समझते हैं इस क्रंच मैच में उनको वापस लेकर आ जाए? इकबाल भी देखे शुरू में ये हार रहे थे और जब आप हारते हैं तो आप कॉम्बिनेशन बनाने की तरफ जाते हैं, उसमें कोई ना कोई बायर होता है, लेकिन फिर अब ये जो है ना एंड पे आ रहा है टूर्नामेंट और अब कंडीशंस चेंज हो गई हैं, अब कंडीशंस कुछ और डिमांड कर रही हैं, अब आपको जो पिटाई हो रही है आपकी बॉलिंग को हो रही है, बैटिंग आपकी ठीक कर रही है, तो अगर आप सलमान इरशाद को यू नो गिवन द कंडीशंस इंक्लूड करते हैं सिर्फ उनकी पेस और उनके एक्शन की वजह से, तो और हमने देखा लास्ट मैच में जमान तो ये इनके लिए बेनिफिशियल हो सकता है। क्या और दूसरा ये सर, अभी BPL में सलमान ने 150 पे बॉल, बहुत तेज बॉलिंग की है 150, वो मैच में अभी देख रहा था घर में, वो 150 पे उन्होंने बॉल किया और बहुत अच्छे स्पेल किए, ये मेरे ख्याल से ये वाइड टूर्नामेंट है जिसमें उनका थोड़ी बहुत 19-20 परफॉर्मेंस ज़्यादा बुरी नहीं हुई है, मगर वही वाली बात ना जो अहमद ने बोला, आप कॉम्बिनेशन जब बना रहा होते हैं आप टीम का तो उसमें आप 19-20 करते हैं, यार ये प्लेयर भी ट्राई करते हैं इसको देखते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है उनकी बैटिंग को देखते हुए, क्योंकि तीनों बड़े डेंजरस हिटर हैं, टिम डेविड पेस को लाइक करते हैं, मिलर, रोसो, ये ऐसे प्लेयर, इवन पोलार्ड,
मगर ये डिसीव चेंज ऑफ पेस पे होते हैं और उनका यूनिक एक्शन है। फिर इनका इस लीग में अच्छा, इनकी रेपुटेशन अच्छी रही है सलमान शाह की, तो इनको इनको अपॉर्चुनिटी के तौर पे आज ये दें कि भाई वाइटल मैच है, आप हमें ये मैच निकाल के दो। लेकिन ये कहा जा रहा है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के लिए कि वहाँ की पिचेस फ्लैट हैं एज कम्पेयर टू लाहौर या कराची, और वहाँ की बाउंड्री भी छोटी है, रन बहुत हो रहे हैं इन फ्लैट पिचेस पर। 200 रन करना कोई आसान बात है, मुश्किल बात नहीं। आप समझते हैं कि इस कंडीशन में बोलर्स के लिए विकटे और रन्स बचाना मुश्किल हो जाएगा? जी बिल्कुल मुश्किल होता है, ऐसा है बिल्कुल। लेकिन आपको याद होगा इकबाल भाई, हमने बात की थी मिडवे में टूर्नामेंट के यार के सेंचुरियां नहीं देखने को मिल रहे हैं, और कंडीशंस तो ऐसी हैं जिसमें सेंचुरियां बननी चाहिए। आप देखिए चार बन चुकी हैं, ठीक है, कंडीशंस तो बहुत फेवरेबल है, और अगर आप बैट्समैन हैं तो आपके लिए आइडियल सिचुएशन है परफॉर्मेंस करने के लिए, अपना नाम बनाने के लिए। क्योंकि ना सिर्फ कंडीशंस और बाउंड्रीज, अगर आप बॉलिंग का स्टैंडर्ड थ्रू आउट देखेंगे टीम्स के पास जो हैं, हर टीम के पास दो दो सिवाय लाहौर कलंदर के बाद ऐसे बॉलर्स मौजूद हैं जिनको आप कैपिटलाइज कर सकते हैं। तो सर इसमें डेफिनेटली देखिए, चेजिंग के लिए अगर आप 225 स्कोर करते हैं, 200 स्कोर करते हैं, हमने लास्ट टाइम भी देखा इस्लामाबाद को कल के मैच के कि बिल्कुल ही वो चेज करने के चक्करों में विकटे खोती रही। ऐसी इनिंग रोज रोज जो जेसन रॉय की थी वो नहीं लगेगी। तो अगर आप 225 स्कोर, 200 प्लस स्कोर करते हैं और उस पर फिर आप अगर आप यू नो नपीतुली बॉलिंग करते हैं, अपने मार्जिन ऑफ एरर्स को ध्यान में रख के बॉलिंग करते हैं, सकते हैं तो आप मैच को बचा सकते हैं। क्या कहेंगे सर? मैं एक चीज और देख रहा था टीम के बैलेंस के लिए, जो आज के मैच में लगता है हमें, हो सकता है हम गलत हों, हारिस की जगह हारिस सुहेल या दानिश अजीज भी खेल सकते हैं, दोनों लेफ्ट आर्म स्पिन भी करते हैं। तो कॉन्फिडेंस बड़ा है ना उनको सर, सब चीज़ें, मगर अभी नहीं हो रहा ना। मतलब हम उसके खिलाफ नहीं है, अभी टीम जलमी जिताने की बात हो रही है। हम जिस तरह मुल्तान के लिए बोल रहे हैं कि क्या करेंगे तो ये जीतेंगे, इस तरह हम जलमी की बात। अब सायम अय्यूब एज एन ओपनर तो आ ही गए सर, आ गए, हसीबुल्ला मिडिल में मिल गया आपको, उसको वन डाउन भी खिला सकते हैं। दानिश अजीज नीचे आके हिटे मारने के लिए भी, साथ में टी ट्वेंटी में बॉलिंग भी कर लेता। हारिस सुहेल भी सेम ऐसा ही है, आप उसको भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि दोनों जन अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं। ठीक है, इस पर हम मजीद बात करेंगे, लेकिन सर्फ एक्सेल जोश जगादे में एक ब्रेक ले रहे हैं, और ब्रेक के बाद अपने दोनों टेस्ट क्रिकेटर्स खुर्रम मंजूर और अहमद शहजाद के साथ दोबारा आपको ज्वाइन करेंगे। हमारा इंतजार कीजिएगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर सर्फ एक्सेल जोश जगादे में आपको वेलकम करते हैं। हम बात कर रहे हैं आज जो मैच खेला जाने वाला है, पिशावर जलमी बमुकाबला मुल्तान सुल्तान्स, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, और हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर खुर्रम मंजूर और टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद। खुर्रम, अगर हम बात करें, ये टूर्नामेंट बैट्समैनों का टूर्नामेंट नहीं साबित हुआ, क्योंकि आज तक चार सेंचुरियाँ कभी पीएसएल में नहीं बनी, इस पीएसएल में चार सेंचुरियाँ बन चुकी हैं, और एक ही मैच में दो सेंचुरियाँ बनी थी, जो कि उसका जो हुआ था पिशावर जलमी का और क्वेटा का मैच जो था ना, जिसमें उसने जेसन रॉय ने भी 100 कर दिए, बाबर आजम ने भी, उसके अलावा कल फखर जमान ने 100 किए। समझते हैं ये बैट्समैनों का टूर्नामेंट है सर? थोड़ा सा सच बोलूं, तो सच ये है सर, आप इससे अंदाजा लगा लें बॉलिंग का स्टैंडर्ड क्या है। हमेशा एचबीएल में स्टैंडर्ड बहुत अच्छा रहा है बॉलिंग का, सबसे अच्छा स्टैंडर्ड हमारा बॉलिंग का होता था, मगर इस दफा बॉलिंग का स्टैंडर्ड जो है थोड़ा नीचे रहा है, जिसकी वजह से बैट्समैन डोमिनेट कर रहे हैं। अब आप आगे बॉल करेंगे या शॉर्ट पिच बॉल करेंगे और बॉडी से बाहर बॉल करेंगे, हर क्रिकेट में मार लगती है, और इस तरह की क्रिकेट जहां 200 रन चेस कर रहा हो और आप फुल लेंथ बॉल, शॉर्ट ऑफ लेंथ बॉल कर रहे हैं, बॉडी से बाहर कर रहे हैं, बैट्समैन को कोनिया सीधी करने का मौका दे रहे हैं, तो फिर कोई भी नहीं छोड़ेगा सर। अहमद, ये देखिए जो 421 सबसे ज़्यादा रिजवान के रन हैं 8 मैचेस में, फिर फखर जमान के, फिर इमाद वसीम, फिर उसके बाबर आजम, आजम खान, कॉलन मंद्रो, गप्टिल, तो अगर आप इस चार्ट को देखें तो आप समझते हैं कि वाकई में ये टूर्नामेंट बैट्समैनों का टूर्नामेंट साबित हुआ। जी बिल्कुल, स्टैट्स देख के अभी सोफर हमें लग रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा होने चाहिए। जिस तरह की फील्डिंग हमने देखी है पीएसएल में, ठीक है, आप मेन प्लेयर्स के दो दो कैच छोड़ देते हैं, और उसके बाद फिर आप उससे क्या एक्सपेक्ट करते हैं इस तरह के पिच पे। जिस तरह की बॉलिंग हमने देखी है कि आप अपने मार्जिन इतने इतने मार्जिन से मिस करते हैं, तो जब आप इन तरह के यू नो टफ कंडीशन में आप एज अ बैट्समैन जब आप खेलते हैं, तो आपके पास मार्जिन ऑफ एरर बहुत कम हो जाता है। वो कहते हैं पक्का खेलना पड़ता है, तो परफॉर्मेंस होती है उसमें भी। इसी तरह बॉलर्स के लिए जब ये सिचुएशन आ जाती है ना, तो उनको भी पक्की बॉलिंग करनी पड़ती है, फील्डर्स को पक्की फील्डिंग करनी पड़ती है, फील्ड प्लेसमेंट बड़ी सही लेनी पड़ती है, और थोड़ी सी इस चीज से भी निकलना पड़ता है कि जब हम
जैसे ही थोड़ा सा 225 स्कोर होने लग जाते हैं ना, तो एकदम एक हाइप क्रिएट हो जाती है जी, ओए कितने खेल रहे हैं ये, कहां मैच। बॉलर्स को ये विंजिंग थोड़ी सी कम कर देनी चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए, और वो अपने आप से जो हटा देते हैं ना कि भाई सबको ही हो रहा है, नहीं भाई सबको हो रहा है तो आपको भी हो रहा है, बताइए। ठीक है ना, राशिद ने नहीं बॉलिंग की, शाहीन अफरीदी वहां पे बॉलिंग नहीं कर रहे, अच्छी बॉलिंग की है, जमान ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। तो सर ये थोड़ा सा जैसे ही आपको स्कोर हो जाते हैं तो 8 बॉलर मिल जाते हैं और एक दूसरे को मैसेज हो भाई किधर फंस गए, और ये सारी हवा चला देते हैं, रहने दीजिए, आप एक्सेप्ट कीजिए और अपनी परफॉर्मेंस और अपनी लाइन ऑफ लेंथ को बेटर कीजिए। क्या कहे बॉलर्स पे प्रेशर, एक बॉलर्स वो जो है साइकोलॉजिकली वो कहता है जी इस पिच पे तो रन ही होंगे, हम क्या करें। ये एक्सक्यूज होता है, और एक्सक्यूज लेम एक्सक्यूजेस बेसिकली ना, और ये चीज से अवॉइड करते हैं जो सही प्रोफेशनल होते हैं ना। वो बोलते हैं भाई आप जैसे भी हो ना, आपने इस कंडीशन में करनी है भाई बैटिंग भी और बॉलिंग भी। और मेन चीज ये सर जो अभी तक हम लोगों ने डिस्कस नहीं की, अगर आप पूरे टूर्नामेंट की छह टीमों को देखें ना सर, अगर एवरेज निकालेंगे ना तो 15 रन ईच इनिंग एक्स्ट्रा चल रहे हैं, जो कि बहुत गलत है इस फॉर्मेट में। तो सर मैक्सिमम 8 से 9 रन होता है, ये गंदी तरीन एक्स्ट्रा जो करती है ना टीम, 15 रन या 14 रन एक्स्ट्रा ईच इनिंग निकल रहे हैं। कैचेस तो अलग चीज है ना, वो प्लेयर्स के मेन प्लेयर के सीधे सीधे के, और उसके बाद जो बॉडी लैंग्वेज कैच छोड़ने के बाद भी है, वो बहुत रिलैक्स कि कोई पेन नहीं है सर, मतलब पेन नहीं है, ये जब मतलब थोड़ा सा ये होता है कि जब थोड़ी सी क्रिकेट प्लेट में रख के मिल रही होती है तो फिर यही छोड़ देते हैं। टॉप बॉलर्स के ऊपर अगर आप देखें कि 18 विकेटें हैं सर, आप ये देखें अभी राशिद ने पूरे मैच नहीं खेले, 7 मैचों में 15 विकेट, अगर वो पूरे मैच खेलते हैं जिसमें से एक मैच में उन्होंने उनके हिसाब से बिल्कुल 0 बॉलिंग की है, जो पिछले से पिछला था, अगर उस मैच को और पूरा खेलते तो हो सकता है वो टॉप किए हुए होते। और सर अगर सोचिए कि राशिद खान को थोड़ी सी फेवरेबल कंडीशंस मिलती तो फिर वो क्या करते। लेकिन आप देखें इनमें 4 जो है वो लाहौर कलंदर्स के टॉप बॉलर, बॉलिंग उनकी राशिद खान, शाहीन आफरीदी, हारिस रऊफ, जमान खान, सर बहुत तगड़ा बॉलिंग अटैक है। किसी भी लीग के अंदर आप इस बॉलिंग अटैक को लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट शाहीन आफरीदी जिस तरह की बॉलिंग कर रहे हैं एज अ लीडर, खुरम भाई ने एक अच्छी बात की थी कि आपका अपना परफॉर्मेंस करना बहुत जरूरी होता है, और जिस तरह की बॉडी लैंग्वेज उनकी है, जिस तरह की वो यू नो पोस्ट मैच सेरेमनी में अपनी टीम को उठा के रख रहे हैं, जिस तरह टीम की बात करते हैं, जिस तरह वो अपने जोर लगा रहे हैं इंजरी के बाद आके, यू नो रियली डिलाइटेड। लेकिन अगर आप इसमें देखें जो सबसे अच्छा जो इकोनॉमी रेट है वो 6.1 का किसका है, राशिद खान का, और राशिद खान का पर विकेट भी जो है ना एवरेज जो है वो 11 का है, किसी का ऐसा नहीं है। तो इसका मतलब है उन्होंने एक्सेल किया, उन्होंने डोमिनेट किया। तो राशिद खान थोड़े से दूसरों से डिफरेंट बॉलर है ना, इसलिए यही अगर आप इब्रार को खिलाते आप यकीन जाने उसको कॉन्फिडेंस दे के आप चीजें करते तो उसने भी इसी रिकॉर्ड में उसका जो इकोनॉमी रेट होता ना, क्योंकि एज अ मिस्टर बॉलर वो इसी लिस्ट में होता, लेकिन आपने उसको नहीं खुरम क्योंकि इसकी वजह तो नहीं कि शादाब भी है, दो बॉलर जो है ना वो मिस है इस चार्ट में, और वो है एक तो इब्रार और दूसरे शमसी को बहुत लेट खिलाया। वो ऐसा बॉलर था अगर आप फर्स्ट मैच से उसको कैरी करते हैं ना कराची की, हो सकता है 1% सर हो सकता है ये कंडीशन नहीं होती, लेकिन वो तो चला गया, आखिरी मैच नहीं खेलेगा वो कराची से। देखें 3-4 बॉलर ऐसे हैं जिनको पर्सनली भले कोई अच्छा माने बुरा माने मेरे को फर्क नहीं पड़ता, राशिद खान, मुजीब, शमसी, ये 3 वो अभी करंट क्रिकेट में सर ये दुनिया के किसी क्रिकेट में बैठने वाले प्लेयर नहीं है इनको आप, और आपके पास ये मौजूद है, और अगर आपने बेंच पे बिठाया तो सर आपको ये मुजीब को भी बिठाया इन्होंने, सर 6 मैच खिला दिया, उस्मान कादिर को खिला दिया, 6 मैच बेंच पे बैठा, मैं तो हैरान हूँ। अगर थोड़ा इगोइस्टिक होता ना वो जा चुका होता, कोई होता ना सर सनकी दिमाग, सर सनकी दिमाग के जैसन रॉय ने IPL छोड़ दी थी, जेसन रॉय पिछले साल की आप निकाल के देख लें, कुछ मामला 19-20 उसने छोड़ दिया, कॉन्ट्रैक्ट हुआ हुआ छोड़ दिया उसने। लेकिन कल हमने देखा सैम बिलिंग्स को टीम मैन नजर आया, सैम बिलिंग्स पूरा जोर लगा रहा है, आप देखें उसकी ना एबिलिटीज हैं, एक लिमिटेड एबिलिटीज हैं, उसमें ऐड करता है वो वैल्यू, उसको टीम मैन बनना पड़ेगा, अगर वो टीम मैन नहीं होगा ना तो वो टीमों में मुश्किल से फिट होगा। तो उसकी स्ट्रेंथ ये है कि आके वो टीम के लिए चीजें करने की कोशिश करता है, चाहे बैटिंग हो, चाहे फील्ड में हो, चाहे सर्कल में हो, हर चीज में वो एक्टिव भी रहता है। वेयर एज कुछ ऐसे क्रिस गेल जो खुद इंपैक्ट प्लेयर है, जेसन रॉय, यू नो ये जो हेल्स, मैकलम तो फिर भी टीम में कहता है, हेल्स, ये लोग इंपैक्ट प्लेयर होते हैं, इनको आप टीम में इतना ज्यादा इन्वॉल्व होते हैं, केविन पीटरसन अपने शशके में आए खेले और चले गए। लेकिन अगर आप सैम बिलिंग की इन्होंने जो बात की ना, उसकी बोलते नहीं हर प्लेयर की इंटेंट, आपने एक शॉट लगा देखा होगा,
बॉलिंग हैंड पे ऑलमोस्ट कैच था, वो कीपर वहां से बाहर आया और उसने रोका, दो लड़के बॉल के नीचे थे, कीपर सेव हैंड होता है और उसने कैच। आखिरी एक जुमले में देखें, अगर ये क्या ये ब्लेसिंग इन डिसगाइज साबित हुई, शाय होप चला गया, सैम बिलिंग्स आ गया, शाय होप कीपिंग कर रहा था लाहौर कलंदर्स के लिए, समझते अच्छा हुआ, बहुत अच्छा हुआ ये। आप क्या कहेंगे सर, शाय होप भी अच्छे प्लेयर है, उन्होंने लाहौर कलंदर को पहले तीन मैचों में से एक बड़ी इनिंग खेल के दी थी। और नहीं अहमद, इसके अलावा सॉरी कथा कलामी के, जिस तरह की सैम बिलिंग बैटिंग कर रहा है ना, वो तीस भी कर रहा है ना, वो छक्के मार के कर रहा है, उसका इंपैक्ट टीम का ना पड़ रहा है, मोराल गिर जाता है। ठीक है, इसके साथ ही सर्फ एक्सेल जोश जगा दे की ये एपिसोड अपने इख्तिताम को पहुंची। इंशाल्लाह रात 11 बजे एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। मिर्जा इकबाल बेग और एक्सप्रेस न्यूज की पूरी प्रोडक्शन टीम को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।